पॉइजन का मतलब जहर होता है। डेडलीस्ट पॉइजन उसे कहते हैं जो अपने शिकार को मार कर ही रहते हैं। इन पॉइजन का ना ही कोई क्योर है और ना ही कोई इलाज। सबसे खतरनाक और जानलेवा पॉइजन केमिकल से बनते हैं और उन्हें बनाना यूजुअली बैन भी होता है। तो आज हम इन्हीं पॉइजन के बारे में जानेंगे। तो अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आज का एक गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए अब देखते हैं कि ऐसे कौन से डेडलीस्ट पॉइजन है। VX एक ऐसा केमिकल नर्व एजेंट है जो आपकी नर्व्स को ब्लॉक करता है। इस पॉइजन को इनहेल करने के 20 मिनट में ही आपको सफोकेशन या सांस लेने की तकलीफ से आप मर सकते हो। इस पॉइजन को बनाना CWC ने बैन किया है, पर सिर्फ कुछ कंट्रीज है जो कि इसको प्रोड्यूस करती है। किम जोंग नाम जो कि नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग यून के सौतेले भाई हाफ ब्रदर थे, उन्हें इसी केमिकल से मारा गया था। एरो पॉइजन फ्रॉग। हम सबको पता है कि स्नेक्स और फ्रॉग्स पॉइजनस रहते हैं, पर इन सबसे भी पॉइजनस होता है एरो पॉइजन फ्रॉग। ये पॉइजन अमेरिकन इंडियंस यूज करते हैं अपने शिकार करने के लिए। कहा जाता है कि सिर्फ एक गोल्डन पॉइजन फ्रॉग 10 आदमियों को मार सकता है, इसीलिए पॉइजन फ्रॉग को मोस्ट पॉइजनस फ्रॉग कहा जाता है। रिसीन। रिसीन कैस्टर सीड्स में पाया जाता है, जिसकी वजह से वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस प्लांट के अंदर कैस्टर सीड्स आता है। रिसीन पाउडर स्किन या आई कांटेक्ट में आते ही रेडनेस और जलन होती है। ज्यादातर 36 आवर्स या 72 आवर्स के अंदर ही डेथ हो सकती है। बॉक्स जेलीफिश दुनिया के जहरीली जानवरों में से एक है। इसे एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पानी में पाया जाता है। इसके 2 मीटर टेंटिकल्स आके स्किन को डंक मारते ही आपकी जान 2 मिनट में जा सकती है। बॉक्स जेलीफिश के डंक मारते ही आपके ब्लड लेवल इंक्रीज होगा और हार्ट स्ट्रोक या अटैक भी आ सकता है। एप्पल सीड। हाँ, आपने सही सुना, एप्पल सीड अगर क्रश कर खाया जाए तो आपकी जान आराम से जा सकती है। सिर्फ कुछ ही एप्पल सीड में आपकी जान जा सकती है। ज्यादातर आप जो एप्पल सीड खाते हैं वो कवर्ड रहते हैं, पर एप्पल सीड के अंदर HNC मतलब पॉइजनस हाइड्रोजन साइनाइड होता है जो आपको कुछ ही मिनट में मार सकता है। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइजन जो कि आपकी जान मिनटों में ले सकते हैं। अगर आपके पास भी इससे जुड़ी और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।